हरियाणा में हो रहे नगर निगम के चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में बीजेपी सरकार ने जो विकास कार्य करवाए हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर जनता नगर निगम के चुनावों में अपना मतदान बीजेपी के पक्ष में करेगी। वहीं जब उनसे बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टिप्पणी करने का ये सही समय नहीं है। अब वोटिंग चल रही है और मैं एक बात समझता हूँ और पहले आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूँ आम जन को जो इन 5 नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं कि वो जब तक मतदान चलता है इस मतदान के अंदर पूरी धीरता के साथ हिस्सा लें। और अब दोनों ने मन भी बना लिया है और मन भी इस प्रकार का बनाया है इस प्रकार की सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसके आधार पर आम आदमी अपने मत का प्रयोग करेगा और एक शांति से सब जगह मतदान चल रहा है। इसके लिए मैं आम जन को वहाँ के मतदाताओं को बधाई भी देता हूँ। क्या लगता है आपके प्रत्याशी जो उतारे गए हैं जीत कराएं? देखिए अब तो वो जो लोगों का मत है वो जो मशीन है उसके अंदर जाना शुरू हो गया है, इसलिए चुनाव के दिन में इस प्रकार की टिप्पणी मुझे नहीं लगता मीडिया के सामने करनी चाहिए। 5 के बाद आप किसी भी प्रकार की टिप्पणी ले सकते हैं। दरअसल आज फतेहाबाद के पंचायत भवन में गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला खुद पहुंचे और कहा कि 3 कार्यक्रम जो प्रदेश सरकार की ओर से करवाया जा रहा है वो उसके लिए आभारी है। 3 ये कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाला है और मैं हरियाणा सरकार को और जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे क्षेत्र की बात करें या सब अन्य जिलों की बात करें, वहाँ पर इसका करवाया है। ये सरकार के प्रयासों के कारण से ये आम जन तक पहुँच रहा है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वहीं हाल ही में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने ये बयान दिया था कि गीता जयंती कार्यक्रम में सरकार फिजूल खर्च कर रही है। इस बयान पर सुभाष बराला ने तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा कि गीता महान ग्रंथ है और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार कितना भी पैसा खर्च करे वो कम ही है। अभय चौटाला को मैं कहना चाहूंगा, आप लोग जिस प्रकार से जनता के पैसे की बर्बादी करते थे आप लोगों के समय में वो अनुचित थी। गीता के प्रसार के लिए जो गीता जीवन जीने की पद्धति दुनिया को बताता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसके प्रसार प्रचार के लिए अगर और पैसा भी खर्च करना पड़ा तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा 2 गुना 4 गुना 10 गुना भी इससे ज्यादा पैसा खर्च करके अगर गीता के ज्ञान का प्रसार हो तो वो भी सरकार को करना चाहिए। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।